मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है हमारे वेदर बुलेटिन में। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा हुई हैं, खास करके पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में, बिहार झारखंड में नहीं हुई, उड़ीसा में। और उड़ीसा में दो दिनों से तो भारी बारिश हो रही थी, अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जारी है और बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब जो वेदर एक्टिविटी है वो थोड़ा सा चेंज होगी, पूर्वी भारत से कम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ने वाली है बारिश की गतिविधियां। और किस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी तो वो देख लेते हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दिखाई दे रहा है, तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश है और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप देखिए कि जो पश्चिमी जिले हैं जैसे अमृतसर है, गुरदासपुर है, तरन तारण, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, फजलिका, बठिंडा, मोगा, मनसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रहेंगी, हल्की फुल्की रहेंगी। लेकिन जो पूर्वी जिले हैं माफ कीजिएगा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आज से बढ़ जाएंगी, मतलब आज या कह सकते हैं कि मतलब 4 तारीख से यहाँ पर होशियारपुर से लेकर के कपूरथला और लुधियाना, पटियाला और जलंधर, संगरूर और जो फतेहगढ़ साहब, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया था कि जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अच्छी होने की संभावना है। यहाँ पर मॉडरेट शावर हो सकते हैं और यहाँ पर लाइट रेन ही होगी, ये जो इलाके हैं। उसी तरह से सेम, मतलब जैसा पंजाब का माहौल रहेगा उसी तरह का हरियाणा का भी रहने वाला है। हरियाणा में भी आप कह सकते हैं चंडीगढ़, पंचकूला से लेकर के जो यमुनानगर है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल के कुछ इलाकों को लेकर के, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक और झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, इन इलाकों में बारिश अच्छी होने की संभावना है। हिसार में भी कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद और उसके आसपास के जो इलाके हैं, भिवानी वगैरह, ये इलाके शुष्क रहेंगे, बहुत हल्की बारिश रहेगी, जहाँ ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये हरियाणा का हाल है। और उसके बाद दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में जो बारिश थी 2 तारीख को हुई थी, काफी अच्छी बारिश हुई थी शाम के समय में, कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई थी। फरीदाबाद में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी। लेकिन अब जो वेदर एक्टिविटी है वो जो मैंने बताया था, वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे आगे आएगा और फिर वो लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बदल जाएगा, तो उसके हिसाब से दिल्ली NCR में 4 तारीख से बारिश शुरू होगी और 5-6 तारीख तक रह सकती है। बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं है लेकिन मौसम सुहावना हो जाएगा और कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और इस तरह से ट्रफ, यानी कि पूरा पश्चिम से लेकर के पूरब तक उत्तर प्रदेश में ट्रफ दिखाई देगी। तो अभी 4 तारीख तक की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखनऊ और हरदोई, फिरोजाबाद और अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, मेरठ, ये जो इलाके हैं, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ये जो इलाके हैं, यह अच्छी बारिश की संभावना है। बारिश की गतिविधियां ललितपुर, झांसी और महोबा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, इन इलाकों में भारी हो सकती है, बाकी इलाकों में मॉडरेट शावर्स होगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखें तो जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश अभी नहीं दिखाई दे रही हमें, खास करके यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो इलाके हैं और जो बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, ये जो इलाके हैं, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 6 या 7 तारीख से शुरू होंगी और अच्छी बारिश होगी 2-3 दिनों तक। तो यानी कॉन्ट्रास्टिंग वेदर है, पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी और मध्य भागों में बीच बीच में होती रहेगी। तो ये है उत्तर प्रदेश की बात। अब चलते हैं हम बिहार की ओर। तो बिहार में अभी भी गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, बारिश नहीं हो रही है। बारिश हुई है कुछ इलाकों में लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश हो, अच्छी बारिश हो, अभी भी माफ कीजिएगा छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और जो बारिश है वो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, माधेपुरा, पूर्णिया और ये बेगूसराय, वैशाली, गया, पटना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 6 और 7 तारीख से लेकर के 8-9 तारीख तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उत्तरी जिलों में ज्यादा रहेगी, दक्षिणी जिलों में थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन बारिश काफी अच्छी इन इलाकों में दिखाई देगी।
झारखंड में भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है और काफी ज्यादा हालत खराब है यहाँ पे भी किसान भाइयों की, और लोग भी गर्मी से परेशान हैं। तो यहाँ पर भी 6 और 7 तारीख से बारिश बढ़ेगी, तब तक के लिए यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की दिखाई देंगी। हालांकि जमशेदपुर वगैरह में, रांची वगैरह में पिछले कुछ दिनों में बारिश देखने को मिली है, लेकिन पूरे झारखंड में अभी भी मूसलाधार बारिश नहीं है। तो 6-7 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, और 7 तारीख से ही, 6 और 7 तारीख से ही जो सिक्किम है, दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार है, जलपाईगुड़ी है, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन इलाकों में बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन जो दक्षिणी जिले हैं जैसे कि पुलिया, बांकुरा, कोंटई, शांति निकेतन, 24 परगना, डायमंड हार्बर और जो कलकत्ता वगैरह, यहाँ पर लाइट रेन या 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। तो ये सारा हमने देखा, पूर्वी भारत बात किया, और जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने वाले हैं कुछ इलाकों में। असम, पूर्वी असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, पश्चिमी असम में हल्की बारिश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में एक बार फिर सूखे जैसे हालात होने लगे हैं, और जो श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। ये पूरा इलाका ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाला है, हालांकि बहुत हल्की आइसोलेटेड रेन हो सकती है। यहाँ पर आपने देखा होगा बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर, करौली, दौसा, ये जो है टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आसपास के इलाकों में, अजमेर, जयपुर में, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों तक रहेंगी, फिर धीरे धीरे यहाँ से भी हट जाएगी। यानी कि अब राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना अगले कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है, पूर्वी जिलों में ही कुछ बारिश की गतिविधियाँ हैं, उसके बाद बारिश कम होने लग जाएगी। अब अगर मध्य प्रदेश की, ये गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जो नवसारी, वलसाड़, भरूच, सूरत, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी। बाकी इलाकों में खंड वर्षा, छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, और 2-3 दिन के बाद जो बारिश की गतिविधियाँ हैं रन ऑफ कच्छ से लेकर के देवभूमि द्वारका, मोरबी, जामनगर, सुरेंद्रनगर, बांसकांथा, सवर्णकांथा, इदार, महसाना, पाटन, इन इलाकों से हटने लग जाएगी और मौसम लगभग शुष्क होने लग जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जो वेलमार्ग, पहले डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ था, आपने देखा यहाँ पर था, फिर एज ए वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन गया, तो इसके प्रभाव से इन सारे इलाकों में तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। अभी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं मुरैना, भिंड और ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, शिवपुरी, इन इलाकों में तेज होगी। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ बाकी इलाकों से, जो दक्षिणी जो जिले हैं जितने भी हैं यहाँ से कम हो जाएगी, और 2 दिनों तक बारिश की गतिविधियाँ इन्हीं इलाकों में, यानी कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, यहाँ तक रहेगी, और फिर धीरे धीरे यहाँ से भी उत्तरी इलाके से भी कम हो जाएगी, और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अगले 5-7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। उसके बाद कल से जो बारिश की, मतलब कल शाम से बारिश की गतिविधियाँ कम हो गई, अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो छुटपुट ही रहेगी, पैची रेन रहेगी। कोरिया, सूर्यापुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर और जो बलोद बाजार है, राजसमंद है, दुर्ग है, यहाँ तक पूरे इलाके में, जगदलपुर तक ऐसे ही बारिश रहेगी, छुटपुट बारिश रहेगी, ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और उसी तरह से उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से होकर ही ये डीप डिप्रेशन निकला था, इसीलिए 2 या 3 दिनों तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। बहुत हल्की बारिश, यानी कि 5 मिलीमीटर से कम की बारिश ज़्यादातर इलाकों में होगी, 1-2 स्थानों पर 10 से 15 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है, यानी कि पैची रेन ही यहाँ पर रहने वाली है, कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही। अभी फिलहाल अमरावती, नागपुर, गोंडिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, विदर्भ में, महाराष्ट्र में छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ या मॉडरेट शावर्स भी हो सकते हैं, लेकिन धुले, नंदुरबार, जलगांव, ये जो इलाके हैं, नासिक और बाकी जो इलाके हैं, ये सारे इलाके, यानी मध्य महाराष्ट्र और महाराष्ट्र शुष्क रहेगा। महाबलेश्वर में अच्छी बारिश हो सकती है, और जो पश्चिमी तट है यानी कि महाराष्ट्र का तट है, यहाँ पर भी हल्की बारिश या 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे, ज़्यादा वेदर एक्टिविटी अगले 1 सप्ताह तक महाराष्ट्र नहीं देखने वाला है। ये सारा हमने देखा वेदर एक्टिविटी इन सारे इलाकों की। अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी जो वेदर एक्टिविटी है वो अब उत्तरी तेलंगाना में थोड़ी बहुत देख सकते हैं और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, एक तरह से ये जो पूरा इलाका है आपका, ये ड्राई होने वाला है, और तमिलनाडु में टेम्परेचर बढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है कि पश्चिमी जो दिशा से हवाएं आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, शुष्क हैं और गर्म है, इसीलिए यहाँ वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही। साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका में बारिश नहीं होगी, कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश हो सकती है, मॉडरेट शावर्स भी हो सकते हैं, लेकिन केरल में बहुत हल्की बारिश रहेगी, लक्षद्वीप में वेरी लाइट रेन, और इसी अंडमान और निकोबार में लाइट रेन की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।